32 टाइम्स तो कभी नहीं चबाते हैं, तो इस वजह से। हेलो हेलो, इज इट ऑडिबल? यस सर, गो अहेड सर। ओके ओके सो खाने में भी हम लोग बड़ी जल्दबाजी करते हैं, बट टू टू ईच एंड एवरी लोफ, टू ईच एंड एवरी फ्रूट, टू ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर वी पुट इन अवर माउथ, ये बहुत आराम से धीरे 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 चबा कर खानी चाहिए। एटलीस्ट 32 टाइम्स तो चबाना ही चाहिए हमको। यदि हम चबाते हैं तो मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग कि जब हम चबाते हैं इतनी देर तक के उसको मुंह में रखते हैं, तो हमारा जो सलाइवा है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इनके एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो भी हम खा रहे हैं इसके, इसको तोड़ देते हैं वहीं के वहीं, ताकि डाइजेशन इजी हो जाता है। डाइजेशन इजी हो जाता है, मेटाबॉलिज्म इजी हो जाता है, तो उससे हम जो भी खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता है, मीन्स उससे खून बनता है, उससे बाकी के पाचक तत्व जो है वो हमारे पोषक तत्व जो है हमारे पूरे शरीर को मिलते हैं और हमारी ग्रोथ होती है और हम हेल्दी रह पाते हैं। बहुत अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए आपको यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यहाँ ये मतलब नहीं कि बहुत महंगी महंगी सब्जियां आप खरीदें, लोकली जो भी सब्जी अवेलेबल, लोकली जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है, यू मस्ट परचेस देम ओनली, और सीजनल फ्रूट्स आर ऑलवेज गुड। एंड वी आर फॉर्चुनेट टू 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 बी बॉर्न इन इंडिया लाइक कंट्री, जहाँ पर कि इतने सारे लोकली अवेलेबल फ्रूट्स हैं जो कि हर चीज में, हर कंटेंट में रिच हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं। हमारे पास अनाज भी इतना बड़ा बढ़िया बढ़िया है, सो पूरा अनाज भी हम लोग खा सकते हैं एंड उसको फुला करके खा सकते हैं, उसको जर्मिनेट करके खा सकते हैं। कई तरह के से हम खा सकते हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात लगती है, बिकॉज हमारी ओपीडीज में डेली यदि 700 की ओपीडी है तो 10 से 12 मरीज हमारे यहाँ लीवर प्रॉब्लम के हमको दिख जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये हमारे गलत खान पान की वजह से हो रहा है, लीवर हमारा सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है। बिकॉज इंडिया में खाने का कोई समय नहीं है, जैसे कि एक बात बहुत कॉमनली मैं कहना चाहता हूँ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि जैसे इंडिया में चाय का कोई समय नहीं है, एवरी टाइम इज अ टी टाइम इन इंडिया। ये जो चाय पीते हो आप, सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, तंबाकू खाते हो, शराब पीते हो और तला हुआ चीजें खाते हो और मसाले वाली चीजें खाते हो, तो इन सब से आपके लीवर पे बहुत बहुत प्रेशर पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है और लीवर धीरे धीरे स्लगिश हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऑयली चीजें, फ्राइड चीज, डीप फ्राइड वाली चीजें खाने की आदत होती है, तो उसकी वजह से उनका लीवर फैटी लीवर हो जाता है, उसके ऊपर फैट जम जाता है। और आपको पता होगा कि लीवर एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो बहुत आपके आपके डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ब्लड मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बड़ा रोल है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की केयर यदि हम नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी हमको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि आए दिन लोग शिकायत करते हैं, मुझे गैसेस होती हैं, मुझे खट्टी डकारें आती हैं। गैसेस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया, और उसका 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 रीजन ये है कि लीवर इज नॉट हेल्दी बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ द लीवर। लीवर नीड्स लॉट ऑफ लिक्विड्स। एक्चुअली यू नीड अर्ली इन द मॉर्निंग यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, जो कि हम लोग नहीं पीते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं, विच इज ऑफ एसिडिक इन नेचर, और वो पूरा डाइजेशन को आपके गड़बड़ कर देती है, जितना भी गैस्ट्रिक जूस है उसको सब खराब कर देती है। तो माय सजेशन इज कि अर्ली मॉर्निंग उठ करके 1 लीटर, आधा लीटर, जितना भी आप पी सको, धीरे धीरे बढ़ा सकते हो आप मात्रा, ल्यूकवार्म वाटर आपको पीना चाहिए, सो दैट द बॉडी स्टार्ट्स डिटॉक्सिफिकेशन इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ऑनली। चूंकि पेट एम्प्टी रहता है, बहुत सारा लोड लीवर पर नहीं रहता है, तो वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकता है बड़ी आसानी से। इसके अलावा, फिजिकल एस्पेक्ट के अलावा, हम लोग बहुत ज्यादा आजकल तो टेंशन में ही है ही, अदरवाइज भी पीपल गेट लॉट ऑफ स्ट्रेस। इसके लिए 4-5 चीजें हैं जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। वी हैव टू मेंटेन अवर पॉजिटिव इमोशंस, वी हैव टू एंगेज अवर सेल्फ इन वन और दी अदर थिंग, बिकॉज एंगेजमेंट रहेगा तो आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके मन में बुरे ख्याल नहीं आएंगे, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएगी, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। देन यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑल्सो विथ ईच एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली विथ इंडिविजुअल, विथ यूर थिंग्स ऑल्सो, वॉट एवर थिंग्स यू हैव टू बी सेटिस्फाइड इन दैम एंड अलॉन्ग विद दैम यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ द थिंग्स।
देन मीनिंग योर लाइफ हैज टू बी मीनिंगफुल, योर डे हैज टू बी मीनिंगफुल, योर इवनिंग हैज टू बी मीनिंगफुल, योर मॉर्निंग हैज टू बी मीनिंगफुल. इफ यू मेक योर लाइफ मीनिंगफुल, डेफिनेटली यू विल एंजॉय योर लाइफ एंड यू विल रिमेन हैप्पी. एंड द एकम्प्लिशमेंट, व्हाट एवर यू हैव अचीव्ड, व्हाट एवर यू आर अचीविंग, व्हाट यू आर ट्राइंग टू हैव इट, ये सारी की सारी चीजों में हमको कहीं ना कहीं खुशी मिलनी चाहिए. नाउ कम्स टू द इम्यूनिटी, बिकॉज हेल्थ में इम्यूनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो दिस स्लाइड इज शोइंग इम्यूनिटी बूस्टर्स बहुत सारे हमारे पास हैं, जैसे तुलसी का काढ़ा है, गिलोय का काढ़ा है, देन दही है, अदरक है, हल्दी है, सिंपल प्याज है, लहसुन है, नीम है, पालक है, लाल मिर्च है, वॉट एवर वॉट एवर ग्रीन वेजिटेबल्स यू हैव दे आर रिच इन दैट. ड्राई फ्रूट्स यू हैव उसमें वो भी बहुत ज्यादा रिच हैं. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आजकल का माहौल है कि बहुत सारे मार्केट में इम्यूनिटी बूस्टर्स अवेलेबल हो गए हैं, बहुत सारा मार्केटिंग की जा रही है, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट में दिखता है कि ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, आपका इम्यूनिटी बन जाएगा. सो माई डियर फ्रेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इम्यूनिटी कोई एक दिन का काम, 24 घंटे का काम, 48 घंटे का काम नहीं है. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप, राइट? सो एक दिन, 2 दिन, 6 दिन में नहीं बनती है ये. इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 90 डेज इट टेक्स, राइट? सो हमको धीरे धीरे खाने पीने में, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके, तब हमको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात करनी चाहिए. टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सब कितना सपोर्टिव है आई कांट से इट. लेकिन जो चीज हमारे इंडिविजुअलिस्टिकली एफर्ट से होनी चाहिए, जो हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए, वो शरीर के अंदर से ही आएगी. एक बड़ी बेटा जो मैं अगली स्लाइड में शो कर रहा हूँ, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति सामने की तरफ सिर झुका के बैठा है. हम में से मैक्सिमम लोग जो काम करते हैं टेबल पर बैठ के या मोबाइल देखते हैं या लैपटॉप चलाते हैं, ज्यादातर इस तरह से सर उनका झुक जाता है, इस पोस्चर में वो आ जाते हैं. एंड दिस इज वेरी मच ब्रेन डैमेजिंग हैबिट, बिकॉज इससे जो ब्रेन स्टेम है, जो 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 हाइपोथैलेमस है और बाकी का जो सर्कल ऑफ विलस है, जो बेस ऑफ द ब्रेन है, वहां ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, और उसकी वजह से आपके ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस, जैसे याददाश्त कम होना, रिकॉल कैपेसिटी कम हो जाना, रीजनिंग लॉजिक का अफेक्टेड हो जाना, विजन पे प्रभाव पड़ना, सुनने में प्रभाव पड़ना, चक्कर आने लगना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो हो सकती हैं. सो हमको इसका ध्यान रखना चाहिए. सामने झुकने के बाद भी गर्दन से नीचे सिर को नहीं झुकाना चाहिए, गर्दन हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो. आप उस चीज का लेवल बढ़ा लीजिए, मोबाइल भी रखते हैं तो आप आईज के लेवल पे, एंगल पे रखिए, तो आप बहुत हद तक ब्रेन डैमेज बचा सकते हैं. देन वी हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सेल फोन्स. बहुत सारे लोग समझते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी समझते हैं कि सेल फोन जो, इट कैन कॉज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप पैटर्न को ये डिस्टर्ब करता है, लोअर्स द अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑल्सो, वर्जन द पोस्चर, एंड स्ट्रेन ऑन द आईज इज वेरी कॉमन बाय यूज ऑफ सेल फोन. अब आवश्यकता है तो इसको हम एकदम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, बट इसको हाउ टू यूज इट इन अ हेल्दी वे, ये समझना बहुत जरूरी है. इसके लिए 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी गर्दन झुका करके ना देखें सेल फोन को, सेल फोन को उठा करके अपने आईज के लेवल पे लाएं और वहां से आप ऑपरेट करें. और यदि आप ज्यादा देर तक के काम कर रहे हैं स्क्रीन पर, यानी लैपटॉप की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर, तो हर 30 सेकंड में 10 सेकंड के लिए को ब्रेक लेना है, दूर देखना है, दूसरी तरफ देखिए, दूर देखिए, और इस बीच पलकों को लगातार झपकाते रहिए. जितनी देर आप काम कर रहे हैं स्क्रीन पर, पूरे टाइम अपनी पलकों को झपकाते रहिए, सो दैट आईज में ड्राई आई सिंड्रोम नहीं होगा, कंप्यूटर सिंड्रोम नहीं होगा, आई स्ट्रेस नहीं होगा, आंखों से वाटरिंग नहीं होगी, एंड लाली नहीं आएगी आंखों में. और बहुत सारी स्ट्रेन की वजह से, बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से, वेरी कॉमनली इन इंडिया वी हैव हेडेक. एवरीबडी, यू आस्क एनीबडी, तो सरदर्द तो हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन चीज है. सो मेरा ये कहना है कि इसका कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए, बगैर रीजन के हेडेक नहीं होता है. ज्यादातर ये जो हेडेक्स हैं ये टेंशन हेडेक कहलाते हैं. टेंशन हेडेक का सीधा मतलब है कि बॉडीली पोस्चर आपका मेंटेन नहीं है, थॉट्स में कहीं उलझने हैं, थॉट्स आपने सुलझाए नहीं है, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के अनकॉन्शियस लेवल पर आपको कहीं ना कहीं तकलीफ है, या तो पोस्चर आपका गड़बड़ है. ये 3-4-5 मेजर चीजें हैं. अनलेस एंटिल आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम ना हो, क्रॉनिक डिजीज ना हो, तब तक ये हेडेक इतना कॉमन नहीं होता है. तो जो कॉमन इंडियन हेडेक है, दैट इज बिकॉज ऑफ टेंशन. सो टेंशन को आपको रिलीज करना होगा, आपको थॉट्स को, अपने अपने थॉट्स को देखना होगा, अपने थॉट्स पर जाना होना होगा, उनका एनालिसिस करना होगा और उनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. उनको आप रख नहीं सकते ऐसे डंप करके, यदि थॉट को रखेंगे तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस में परिवर्तित होगा, और स्ट्रेस यदि होगा तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में परिवर्तित होगा, और ये सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में सबसे पहला और लीडिंग है डायबिटीज.
उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, फिर उसके अलावा मोटापा। आप में से बहुत सारे लोगों को जानकर हैरत होगी कि क्या थॉट मैनेजमेंट की गड़बड़ी की वजह से मोटापा भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी हाँ, ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेजर कॉज वेयर पीपल हैव नॉट मैनेज देयर थॉट्स प्रॉपरली। सो इमोशनल उनका वेंट आउट नहीं हुआ, वो इमोशंस को डंप करते रहे, डंप करते रहे, डंप करते रहे, दे मेक इट अ हैबिट। और उस हैबिट में उन्होंने ये किया कि ज्यादा खाना शुरू कर दिया, ज्यादा मीठा खाना शुरू कर दिया, खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, फ्रिक्वेंट डाइट शुरू हो गई उनकी और जंक फूड लेना शुरू कर दिया। ये सब ओबेसिटी के कारण है, लेकिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हंगर भी एक कारण है। उनको बार बार भूख लगती है और धुन में वो ज्यादा खा जाते हैं। सो ये साइकोसोमेटिक सर टेंशन सॉरी जो है। सर हेलो, वन मिनट सर, आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें सर, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स करेंगे सर। थैंक ओके, राइट राइट राइट, गॉट इट गॉट इट। यू सर। So we have to understand that how we can keep ourselves healthy. So you have to do friendship with yourself. It means you have to understand yourself. If you can understand yourself, so you will be aware about yourself, right? So if you are aware about yourself, you will know that what is my strength, what is my weaknesses, what are the things which on which we I have to work out, because human is a better friend of themselves, because you know yourself that what thought process you have, what kind of action you can take, what is your circumstances, in your circumstances how you can run your life. So you are the better judge for your things. So you have to make friendship with yourself. And how you can do this, you have to go for meditation or sit in a silence 10 to 15 minutes early in the morning. Whenever you leave on the bed, whenever you leave your bed, you sit in silence for 10 to 15 minutes. Recall your complete things, whatever you wanted to do in the day, and what should be the hurdles, what should be the problems which can come in front of you. You can jot down, you can keep a diary, you can regulate it with your journal. You can maintain a journal that what you wanted to do and whether you are able to achieve or not, because this journal you have to No, capture in the night before going to bed. You just see that journal, that whatever work you have accomplished throughout the day, whether you was able to do it, or what was the hurdle which came into your completion of the things. So once you start doing this type of practice, definitely within 7 to 10 days you will organize yourself, and once you are organized yourself, you have accomplishment of the day and you will remain happy, and this way you can maintain your daily routine also. So this is the other thing which is yoga. Here I have shown so many yogic postures which everybody has to do in the morning. You can go for yogic exercise, you can go for pranayama, so that you can keep yourself, your body healthy and your mind also healthy. So many people know everything. Like Swami Vivekananda says that education is not the amount of information that you put into your brain and runs right there, undigested all your life. But we must have life building, main making, character building, assimilation of ideas. If you have assimilated five ideas, made them your life and character, you are more educated than a man who has got by heart a whole library. It's a big, big thing. Whatever you know, you have to practice. This simple thing is there. Like in present scenario, what are the common COVID-19 associated disorder? Because we have been in connection with 10 to 15 telephonic helpline during this COVID, and we come across these kind of disorders or problems which has arise during last 6 months. That is diminished immunity, headache, fatigue, weight gain, dyslipidemia, hypertension, heart disease, psoriasis, eczema, digestive problem, anxiety, depression, substance abuse, and so on. So these all are caused by stress and tension. So how to release the stress? I'm showing you a human body energy clock which shows that at what time what you should do. Like during 5 to 7 a.m. this is the time for large intestine, when during 5 a.m. to 7 a.m. you can wake up. And once you are wake up, you have to drink lukewarm water, what I told you earlier also. During 7 to 9, you have to eat breakfast because the stomach needs it. Then 9 to 11 is a time for our spleen. Spleen will work out there, and it will start
स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ब्लड एंड अदर इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स. सो दिस टाइम यू यू कैन हैव योर थिंग्स डन 9 to 11. देन 11 to 1 AM इज अ टाइम फॉर हार्ट ऑर्गन एंड दैट इज बेसिकली दिस इज अ बॉडी क्लॉक. सो दिस इज अ एनर्जी क्लॉक की व्हेन एट व्हाट टाइम 11 to 1 योर हार्ट इज एक्टिंग. देन 1 to 3 योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज वर्किंग. देन 3 to 5 योर ब्लेडर इज वर्किंग. 5 to 7 इज किडनीज टाइम इज देयर. देन 7 to 9 इज अ पेरिकार्डियम टाइम. देन 11 PM यू हैव ट्रिपल वार्मर. देन गॉलब्लैडर. देन लीवर. देन लंग्स. सो व्हाट आई मीन टू से इज इफ यू अंडरस्टैंड यू कैन सर्च इट आल्सो ऑन द नेट एंड यू कैन गो थ्रू दिस बॉडी क्लॉक. सो अकॉर्डिंग टू द बॉडी क्लॉक इफ यू मेंटेन योर लाइफ स्टाइल और डेली डेली रूटीन Definitely you will become healthy. Apart from this, in spite of all your efforts, if get to you got sick, so we have indigenous knowledge for health and wellness. We have lot many herbs. We have lot many spices in our kitchen through which we can treat ourselves. And if you are not able to do it, there are so many alternative therapies, like conventional medicine is always there. Then counseling and psychotherapy is also there. Relaxation, meditation, yoga, acupuncture, aromatherapy, naturopathy, music therapy, reading good books, herbalist, biofeedback, homeopathy, hypnotherapy, osteopathy, pet therapy, reflexology, and at last the home remedies. So these are apart from our conventional system of medicine, these are alternative therapies which we can use if we fall sick anyway. And for all these points which we have discussed, if you really wanted to take good care of yourself, you have to step in. You have to start walking from somewhere. Unless until you don't start walking, you will reach nowhere, because the long journey starts with a single step only. So whatever you have learned through this session, I'm sure that you have got certain points to work on it. And if you work on these points, definitely you will remain healthy, happy, and prosperous. So with this, I should end my talk here. And I thank once again to our foundation and all of you.